आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं वो है भक्ति का। और बहुत ही मजेदार टॉपिक है भक्ति काल। मैंने बताया कि आदि काल जितना कष्ट दिया है भक्ति काल उतना ही आपको मजा आने वाला है। और साहित्य क्या है, हमने एक दिन बताया था कि कोई भी साहित्य जब जनता से कट जाती है तो वह मृत हो जाती है ना। तो जब आपको अपने से जोड़ोगे ना तो आपको लगेगा ये अपना है। हर चीज को हमें उसके नजदीक जाना है, उसे अपना बनाना पड़ता है, फिर वो अपना बन जाता है। तो भक्ति काल का भी कुछ वही समस्या है। जब हम भक्ति काल कहते हैं, समझिएगा, शुक्ल जी ने इनका समय जो है 1375 संवत 1375 ही होगा ना, 1375 से संवत 1700 माना है। संवत 1700, 1050 से 1375 जो है आदिकाल का समय माना है, उसके बाद 1375 से 1700 जो है भक्ति काल माना है। भक्ति काल जब हम कहते हैं, भक्ति क्या है, हम ईश्वर की भक्ति कहते हैं, है ना। तो भक्ति हम बहुत तरीके से करते हैं। समान रूप से शुक्ल जी ने कहा भक्ति जो है धर्म का रसात्मक रूप है, रस देने वाला रूप है, उसे ही हम कहते हैं रसात्मक रूप। सामान्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं कि भक्ति जो है चार प्रकार का होता है, ठीक है। जो जो भक्ति है, या भक्ति क्या है, भक्ति के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं, यही करते हैं ना, ईश्वर को प्राप्त करते हैं या अपनी मनोकामना को पूरी करते हैं, कुछ ना कुछ पाने के लिए भक्ति करते हैं। तो भक्ति मतलब कि भक्त को ईश्वर तक पहुंचना, मतलब इसको समझिएगा, ये है गॉड। भारतीय दर्शन में और हिंदी साहित्य में ये गॉड है। और हम सब क्या है, हम सब जो है साधक है, एक तरह से जीवात्मा है। कबीर कहते हैं हमारा शरीर जो है ना, आगे पढ़ेंगे, हमारा शरीर एक वस्त्र के समान है। हमने इस पर एक दोहा भी आप लोग को भेजा है, देखिएगा। और हमारा जो जीवात्मा है, जैसे कि हम वस्त्र फट जाता है ना, हम दूसरा वस्त्र पहन लेते हैं, गंदा वस्त्र नहीं पहनते। उसी तरह से जो जीवात्मा है, आत्मा है, जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर तक पहुंच जाता है। तो गॉड तक पहुंचने के रास्ते क्या है, ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते क्या है, भारतीय दर्शन में चार रास्ते बताए गए हैं कि आप ईश्वर तक जो है चार मार्ग से पहुंच सकते हो। जैसे पहला है ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग, ये ज्ञान मार्ग देने वाले थे शंकराचार्य। अभी हम शंकराचार्य को पढ़ेंगे, बहुत फेमस है। अगर भक्ति काल में आप शंकराचार्य को नहीं जानते हैं तो फिर भक्ति पढ़ना बेकार है। शंकराचार्य से एक सवाल बार बार पूछता है स्थापना और तर्क में, मैं डेली स्थापना और तर्क के 5-10 सवाल बना के भेज रहा हूं। आप लोग को लगता होगा इसे ही सरजी बना के भेज देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। कहता है ना, द ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीनर, घर के मुर्गी दाल बराबर। तो कभी ये मत समझना कि सर अपने घर के हैं तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। स्थापना और तर्क बनाने का नियम होता है, उसे हमें जब 10 साल के स्थापना और तर्क आप देख लेंगे ना मेरे वीडियो को, तो आप सीख जाओगे कैसे बनाया जाता है। 90% बच्चों को तो आता ही नहीं है स्थापना और तर्क के सवाल को बनाने के लिए, या मिलाने वाले सवालों को बनाने के लिए। तो हमें परीक्षा में, एग्जाम में जो है हमें सीखना है बनाने के लिए भी क्वेश्चन। इसीलिए मैं हर दिन, आपको क्या लगता है, हर दिन दिन भर में मेहनत आप लोग के लिए ही करते रहता हूँ। जो भी बच्चे पेपर दे रहे हैं उसी के लिए मेहनत करता हूँ, अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है बना के भेज दूँ। 10 ईयर अभी मैं देख रहा हूँ, अच्छा फर्स्ट पेपर में ये चीज हमारे बच्चे से नहीं बनेगा, इसको बना के भेजना है, ये चीज नहीं बनेगा। मतलब एक पिता जो अपने पुत्र के लिए टेंशन में रहता है, वैसे ही टेंशन में भी मैं रहता हूँ। मुझे लगता है नहीं हमारे बच्चे बेस्ट करे बेस्ट करे, मतलब बैठे ही रहता हूँ दिन भर स्टूडियो, अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है 10 मिनट का वीडियो बना दो।
हम भेज दें, लगातार हम भेज रहे हैं, 2-3 दिन से आप देखते होंगे डेली भेज रहे हैं, क्योंकि अगर 2-4 क्वेश्चन भी आपको वहां से आ गया, इम्प्रूव ले लिए, रिजल्ट हो गया तो बेस्ट है ना। तो हम लोग जो भक्ति की बातें कर रहे हैं, भक्ति में ईश्वर तक पहुंचने के 4 मार्ग बताए गए, इसको थोड़ा बढ़िया से पढ़ेंगे। पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग, जिसके प्रणेता शंकराचार्य को माने जाते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम ईश्वर को ज्ञान मार्ग से भी पा लेंगे, ठीक है। फिर आगे चल के भक्ति का एक और मार्ग आया, वह आया योग मार्ग। योग मार्ग देने वाले आपको पता है पतंजलि बाबा है, समझिएगा, रटिएगा बिल्कुल नहीं, मेरे क्लास में बिल्कुल मत रटिए, क्योंकि स्थापना और तर्क, क्योंकि अब सवाल वैसे पूछे नहीं जा रहे हैं। मैं 10 साल के क्वेश्चन हर दिन बना के भेज रहा हूं, जब तक डेप्थ नॉलेज नहीं होगा ना किसी चीज में, बिल्कुल सवाल हिलता नहीं है, क्योंकि अब सवाल पूछ रहा है 1 सही 2 सही 3 सही 4 सही। अब ऐसे सवाल में दिमाग फट जाता है अगर संपूर्ण पकड़ ना हो। आज स्थापना तर्क में हमने देखा कि जो है ये मार्क्सवाद पे सवाल पूछ दिया है, अगर मार्क्सवाद को आप डेप्थ में नहीं समझते हैं तो सवाल नहीं बनेगा। तो हमें हर चीज को समझ के आगे बढ़ना होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए एकदम आराम से समझिए, हड़बड़ी कुछ नहीं है। ज्ञान मार्ग शंकराचार्य ने दिया था, वो कहा था ज्ञान के द्वारा। दूसरा है होगा योग मार्ग। तीसरा आया कर्म मार्ग, जो हम लोग चल रहे हैं। कर्म की चर्चा जो है मीमांसा दर्शन में है, मीमांसा दर्शन, और ये कर्म मार्ग देने वाले थे जैमिनी। सारे फिलोसफी की बात मैं कर रहा हूं, जैमिनी कर्म मार्ग। एक मार्ग बच गया, वो मार्ग बताओ, कोई भी बताओ यार, कैमरा तो ओपन कर लो, कुछ बच्चे मजा आता है, मुझे लगता है कि आप सीरियसली पढ़ रहे हो, है ना, कोशिश किया करो कैमरा ओपन कर पढ़े, आपको बहुत मजा आएगा। चौथा मार्ग क्या है बताओ, कोई भी बताइए, अरे ऑटोमेटिक भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग चौथा है, सारे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। तो एक मार्ग तो हमारा रह गया भक्ति मार्ग, ठीक है। आखिर ये चीज हमें बताइए, अब एक चीज मैं आपको मैप्स बताइए, मैप जरूर बताइएगा, बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग उस तरह से साहित्य नहीं पढ़ते हैं कि रट्टा लगा दो, बुक दे दो, बच्चे रट गया, भैया जी काम हो गया खत्म, नहीं, हम समझ के पढ़ेंगे, चाहे एक ही चाहे 6 महीना लग जाए, उसके जगह 8 महीना लग जाए, लेकिन पढ़ के निकलो तो आपके दिमाग में रहे। एक हम लोग बनाते हैं, अब नाम सुने होंगे भव सागर, सुने हो ना, भव सागर पार करना है, भव सागर में 84 लाख योनियां होती है ना, तो इस 84 लाख योनि को हम पार कैसे करेंगे। तो इस 84 लाख योनि को पार करने का रूल बताएंगे आज आपको, कहोगे सर जी हमें तो स्वर्ग पहुंचा दी है, तो आज हम सीखेंगे कि इस 84 लाख योनि को पार कैसे करेंगे। तो इस 84 लाख योनि में आप यहां बैठे हो, समझिएगा, ये है जीव, जीव कहां बैठा है, इस साइड, और इस साइड बैठा हुआ है गॉड। अब गॉड कोई भी हो सकता है, समझिएगा, मतलब 84 लाख योनि की बात मैं बता रहा हूं। कहता है भारत में जो है 36 करोड़ देवता हुए। तो ये जो भक्ति है, जीव और ईश्वर, जीव का उद्देश्य क्या है, जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक जड़ और दूसरा होता है चेतन। चेतन जो होता है वो कॉन्शसनेस होता है, जड़ जीव कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे ये सब भी जो है जीव ही है, मतलब इसमें भी कॉन्शसनेस है, इसे भी काटते हो तो दुख होता है, तोड़ते हो तो दुख होता है ना। तो भक्ति काल में बताया गया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग क्या है, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता क्या है, जीव को ईश्वर तक यानी जीव का ईश्वर में विलीन हो जाना। हर धर्म में यही बात है कि जीव का ईश्वर से मिल जाना ही उनका अंतिम लक्ष्य है, अर्थात जीव का ईश्वर तक पहुंचना ही उनका अंतिम लक्ष्य है। तो पहला लक्ष्य बताया शंकराचार्य, भारतीय दर्शन में सबसे पहले आया शंकराचार्य, ठीक है, समझिएगा। शंकराचार्य के बारे में आपको बताऊंगा, शंकराचार्य 7वीं सदी में हुए हैं,
दक्षिण भारत के थे, ज्ञान मार्गी थे ये। शंकराचार्य ने जो दिया था ना अद्वैतवाद दिया था, थोड़ी समझिए शंकराचार्य का थॉट क्या है। अद्वैत, शंकराचार्य ने कहा था ईश्वर दो नहीं है बल्कि एक ही है। अद्वैत मतलब द्वैत नहीं है, ईश्वर क्या है दो नहीं है बल्कि एक है, तो इसे ही हम अद्वैत कहते हैं। इनको थोड़ा समझिएगा शंकराचार्य के दर्शन को, जिससे कि आगे भक्ति काल आपको समझने में आसान हो जाएगा। शंकराचार्य ने दिया था अद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब होता है दो नहीं एक, अर्थात ईश्वर जो है एक है। इन्होंने एक लाइन कहा था, बहुत फेमस लाइन है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इन्होंने तीन चीज की बातें की अपने पूरे दर्शन में, यही तीन बातें आते हैं और स्थापना तर्क में हर साल सवाल पूछते हैं। इन्होंने कहा यहां है ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म जीव और जगत। अब बताइए इस संसार में क्या है, इसको पढ़ाई के रूप में मत लीजिए, इसे फिलॉसफी के रूप में लीजिए, आपको पूरा समझ आएगा। हम समझ रहे हैं कि इस संसार में तीन ही व्यक्ति है, ब्रह्म अर्थात ईश्वर, जगत इस जगत में हम रह रहे हैं, और जीव, तीन ही है ना, तीन से तो ज्यादा कुछ नहीं है, है तो बताइए। ब्रह्म है, ईश्वर है, जीव है, जगत, जीव में सारा आ जाता है। अब ये मत सोचना कि सर जी कुत्ता जीव नहीं है, वो भी जीव है, पेड़ पौधे जीव नहीं है, वो भी है। तो अब देखो शंकराचार्य का फिलॉसफी क्या कहता है, यहीं से सवाल उठा लेता है फिलॉसफी, चूंकि हम समझते नहीं है सवाल बनता नहीं। उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम, उन्होंने क्या कहा, ब्रह्म सत्यम यानी ब्रह्म सत्य है। उन्होंने कहा जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, जगत जो है वो मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव ना पड़ा, जीवो ब्रह्मेव ना पड़ा, यानी जीव और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं, यानी कि आप में और ईश्वर में कोई भेद नहीं। मेरी बात समझ रहे हो, आप में और ईश्वर में कोई भेद नहीं, समझना, ये समझोगे तभी पूरा भक्ति काल समझ पाओगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझोगे। उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म के बीच कोई भेद, ये जो शंकराचार्य ने जो बात कही जगत मिथ्या, इसी बात को कबीर ने आगे उठाया। कबीर के दोहे जब आप पढ़ते हो तो वहां है यह संसार कागज के पुरिया, बुंद परे गली जाना। कबीर के दोहे है यह संसार कागज के पुरिया, यह संसार को जो कागज की पुरिया कह रहा है, वो बात कहां से लिया, शंकराचार्य से, क्योंकि शंकराचार्य भी मिथ्या कहते हैं, जैसे कि इसी तरह कागज की पुरिया क्या होता है, मिथ्या है, वो खत्म हो जाता है, बूंद पड़ते ही खत्म हो जाता है, या जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, इसका क्या मतलब है, हम ईश्वर में है, ईश्वर हम में है, यह बात कहां से ले रहा है, शंकराचार्य से क्वेश्चन पूछ लेता है। यही कहते हैं कि साहित्य को आज तक हम डेप्थ में नहीं पढ़े, ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाते हैं, गलती वही होती है। तो इन इन बातों को हमें समझना है कि जहां शंकराचार्य कह रहे हैं ब्रह्म सत्य है, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, जगत का जगत क्या है, परिवर्तनशील है, जीवो ब्रह्मेव ना पड़े, जीव और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं है। अब यहां सवाल आता है, बड़ा मजेदार टॉपिक है, हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट है, हमने 10-12 साल फिलॉसफी पढ़ा, आईएएस में मेरा फिलॉसफी भी रहा है, तो वहां पढ़ते थे मुझे बहुत मजा आता था, फिलॉसफी को हम इंजॉय करते थे, यही कारण है कि हमें फिलॉसफी में खूब नंबर आता था, 370-375 तक नंबर हमने लाया है आईएएस मेंस में। तो यहाँ पे हमारे टीचर भी समझाते, अब देखो यहाँ पे आते हैं, इन्होंने कहा जीव और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं है, ये डायरेक्ट स्थापना और तर्क में दे देते हैं, स्थापना तर्क में दे देगा कि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्य है, बिल्कुल सही है,
दूसरे लाइन में उन्होंने दिया कि जगत और जीव मिथ्या है। अब देखो, जगत तो मिथ्या है, जीव मिथ्या नहीं है, इसलिए दूसरा गलत हो गया। तो हमें तीनों को दिमाग में बैठाना पड़ता है कहा क्या। अब इसी से रूलर देखो, फिलोसफी का डेवलपमेंट शंकराचार्य से पूरा भक्ति काल में हुआ है, आगे पूरा इसी शंकराचार्य से आगे आपको प्रभावित होंगे रामानुजाचार्य, इसी शंकराचार्य से प्रभावित होंगे वल्लभाचार्य। तो सारे जो है एक दूसरे, जैसे कि हम कहते हैं ना कि जिसे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ते हैं, तो शुक्ल ने जो बात लिखी उसी से प्रभावित होकर अन्य हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले लोगों ने लिखा, जिसे हमने पीछे चर्चा किया, उसी को परिवर्तित करके। यही चीज हुआ शंकराचार्य, जिसे आपने देखा शुक्ल के सबसे बड़े विरोधी आचार्य प्रसाद द्विवेदी आते हैं, जानते हो, मैंने बताया। इसी तरह शंकराचार्य के विरोधी सबसे ज्यादा जो आएंगे रामानुजाचार्य आएंगे, वो भी दक्षिण भारत के हैं। रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद देंगे, आज मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो भी शंकराचार्य से प्रभावित है। अब देखो, आप जब तक हमसे प्रभावित नहीं होगे, हमारा विरोध नहीं करोगे। फिलॉसफी यही कहता है कि हमारे विरोध करने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आपने मुझे पढ़ा तो इसका सीधा सा मतलब है आप हमसे प्रभावित हुए, इसीलिए हमें पढ़े। फिलॉसफी में यही बात है। अब शंकराचार्य ने कहा कि जीव और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं, खेल होता है। अब बहुत सारे लोग कहने लगे कि जब जीव और ब्रह्म के बीच भेद नहीं है तो अहम ब्रह्मास्मि। मेरी बात आप समझ रहे हो, जब शंकराचार्य ने जीव कहा कि जीव और ब्रह्म के बीच, यानी मेरे और भगवान राम के बीच कोई भेद नहीं, मेरे अल्लाह के बीच भेद नहीं है, मेरे कृष्ण के बीच भेद नहीं है, मेरे ईसाई चर्च के बीच भेद नहीं है, तो हम कल से कहेंगे मैं ही राम हूं, मेरा ही पूजा कर, अहम ब्रह्मास्मि। खेल हो गया, गड़बड़ा, सारे लोग उनसे पूछने लगे। तब शंकराचार्य कहते हैं नहीं, ब्रह्म जीव का ही रूप है, हम ब्रह्म से ही जुड़े हुए हैं, हम भी ब्रह्म ही हैं। वो कहता है कि जीव जब माया से ग्रसित होता है, ये जो माया टर्म यूज किया ना, यही माया टर्म यूज कबीर ने किया है, ध्यान रखिएगा, मैं जोर के बता रहा हूं। कबीर ने क्या कहा, माया महाठगनी हम जानी, निर्गुण फासली अकर बोले अमृतवाणी। किससे प्रभावित है, शंकराचार्य। बहुत बड़ा दर्शन कबीर का जो है, कबीर सिर्फ साहित्यकार नहीं है या धर्म सुधारक नहीं है, वो बहुत बड़े दार्शनिक है। और जब जैसे कहा माया महाठगनी हम जानी, या आप पीछे एक दोहा मैंने आपको वीडियो बना के भेजा, वो दोहा क्या है, पूरा सूफी दर्शन है। उस पर तो मेरा मन कर रहा था एक घंटा बोलूं, फिर लगा नहीं एक घंटा बोलूंगा ना तो गाली देगा वीडियो देखने वाला कि ये लंबा बना दिया, इसीलिए मैं वीडियो 10 मिनट से ज्यादा नहीं बनाता हूं। तो वहां पे आप देखेंगे, तो यहां पर जो कहा कि ब्रह्म, शंकराचार्य क्या कहते हैं समझिए, जीव जब माया से ग्रसित होता है तो वह अपने आप को ब्रह्म से अलग समझने लगता है। जीव जब, समझिएगा ये बात, जीव जब माया से ग्रसित होता है तो अपने आप को ब्रह्म से अलग समझने लगता है। अब ये माया क्या है, लोभ मोह तृष्णा इग्नोरेंस, हम सबके अंदर इतने इग्नोरेंस आ जाते हैं, इतने कंपटीशन आ जाते हैं कि हम माया से ग्रसित हो जाते हैं और हम अपने आप को ब्रह्म से अलग कर लेते हैं। आगे शंकराचार्य कहते हैं, बहुत फिलॉसफी महत्वपूर्ण है, समझिएगा, नहीं भी लिखिएगा कोई बात नहीं, नोट्स भेजूंगा। आगे शंकराचार्य जी कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य के आगे बादल छा जाने से सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है, जिस प्रकार सूर्य के आगे बादल छा जाने से सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है, आप क्या कहोगे, सूर्य का अस्तित्व नहीं है, कहोगे ना सूर्य का अस्तित्व है। उसी तरह जीव के आगे जब इग्नोरेंस छा जाते हैं, इग्नोरेंस से मतलब अविद्या छा जाते हैं, अविद्या का मतलब है लोभ मोह तृष्णा पाप, ये सब छा जाते हैं तो अपने मूल स्वरूप को वो भूल जाता है। अरे मूल स्वरूप को नहीं भूलते, हमारे माता पिता ने जन्म दिया, उसी माता पिता को हम गाली देते, उसी माता पिता को हम भगा देते अपने घर से। मैं कभी कभी जाता हूं दिल्ली में, ये है क्या कहते हैं आश्रम है जो बुजुर्गों का है, एक से एक अमीर बेटा, जिसका बेटा किसी IAS है IPS है
या बड़े बड़े अधिकारी है या फिर इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़े हुए है। अब इससे ज्यादा अविद्या का उदाहरण क्या दे सकता कि जब आप जननी को भूल सकते हो तो फिर ब्रह्म को क्यों नहीं भूलोगे, ब्रह्म को तो देख भी नहीं पाते हो। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि जीव जब माया से ग्रसित होता है तो अपने वो मूल स्वरूप को भूल जाता है, अपने ईश्वर के मूल स्वरूप को भूल जाता है, और जिसके कारण जो है वो भिन्न भिन्न दर्द भटकते रहते हैं, लोभ मोह में पड़ के संसार चक्र में वो भटकते रहते हैं। आगे कहते हैं इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। ठीक है, अब मान लिया कि ये कह दिया कि हम लोभ मोह में चलो फंस गए, या आपने कहा कि सर जी हमने तो गलत गलत चीजें पढ़ लिया, कुछ समझ नहीं आया, रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो हम उसका कारण तो बता देंगे कारण क्या है, लेकिन उसका निदान भी तो बताना जरूरी है। अगर हम निदान ही नहीं बताएं, अब बहुत सारे बच्चे को मैसेज आता है मैं कोई टेंशन नहीं लेता, मैं 8-10 क्लास आराम से पढ़ो, वीडियो भेज देता हूँ देख लो, समझ आए तो ज्वाइन करो, नहीं तो भैया मुझे गाली नहीं बच्चों की सुनना है ना। जीवन भर टीचर को कोसते हैं वो नहीं करना है, हम दिल से काम करते हैं, सदा करते आए और करेंगे, चाहे 10 बच्चे भी हमारे पास आएंगे ठीक है कोई बात नहीं, हमारे दाल रोटी उसी से चलेगा। अब इसको और समझिएगा, थोड़ा सा और है अद्वैत, मतलब शंकराचार्य ने जो दर्शन दिया ना अद्वैतवाद है। उन्होंने कहा ईश्वर दो नहीं है बल्कि एक है, और उन्होंने कहा कि एक जीव ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म के बीच भेद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भेद क्यों होता है, इसलिए भेद होता है कि जीव माया से ग्रसित हो जाता है, और जिस प्रकार सूर्य के आगे बादल छा जाता है तो सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है, उसी तरह जीव के आगे इग्नोरेंस छा जाने के कारण, जीव के आगे अविद्या छा जाने के कारण, जीव के आगे लोभ मोह पाप छा जाने के कारण वो ईश्वर के मूल स्वरूप को जान नहीं पाता है। अब हम यहां पर आते हैं, हमने कहा कि शंकराचार्य ने कहा कि ये जीव जो अविद्या से ग्रसित है, जीव जो मोह से ग्रसित है, ये पार कैसे निकलेगा। तो शंकराचार्य कहते हैं ज्ञान मार्ग। अब शंकराचार्य बताते हैं आपके अंदर के इग्नोरेंस निकलेगा कैसे। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ज्ञान मार्ग के द्वारा ये सारे आपके अंदर की माया दूर होगी। इसके लिए ज्ञान मार्ग के लिए उपनिषदिक दर्शन की बात करते हैं, उपनिषद, उपनिषद की बात करते हैं। अब उपनिषद में क्या है, सामान्य रूप से 12-13 उपनिषद पढ़ते हैं, लेकिन कहा जाता है 113 से ज्यादा उपनिषद है, और जो भागवत गीता है ना वो उपनिषद का ही निचोड़ है। जो भागवत गीता हम कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश देता है वो भागवत गीता जो है एक मतलब उपदेश है, मतलब कि निचोड़ है उपनिषद का। उस उपनिषद में है क्या, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में, ईश्वर के रियल के बारे में, रियल कंडीशन के बारे में, ईश्वरत्व क्या होता है इसके बारे में, जीव क्या है इसके बारे में, ब्रह्म क्या है इसके बारे में, संपूर्ण ब्रह्मांड की जो बातें हैं सब कुछ उपनिषद में बताया गया है। निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है, निष्काम योग के बारे में बताया गया है, ईश्वर कैसे जो है करता होकर भी अकर्ता है। जब हम किसी बिना मोह के कोई काम करते हैं, बिना एक्सपेक्टेशन के काम करते हैं, वो करता होकर भी अकर्ता है। जैसे अभी मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, बच्चे का सिलेबस खत्म हो गया है, मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं टेंशन में रहता हूँ हमारे बच्चे पास कर जाए, ऐसा नहीं कि वो पास कर जाएंगे तो मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ लोभ है कि बच्चे का रिजल्ट होगा मुझे खुशी मिलेगा, यहाँ हम अकर्ता नहीं है, थोड़ा सा अकर्ता है कि परिणाम के फल पर मुझे कोई लोभ नहीं है कि वो बड़े बन जाएगा तो हमें कुछ मिलेगा। तो ईश्वर कर्ता होकर भी अकर्ता है, क्योंकि वो संसार को रच तो दिया है लेकिन संसार से उन्हें कोई लोभ नहीं है। अब कहीं भी ये उपनिषद में नहीं बताया गया कि आप ईश्वर की पूजा ही करो, वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता ईश्वर की पूजा करना, लेकिन हाँ वहां कर्म फल है। तो यहां ज्ञान मार्ग में उपनिषदिक दर्शन की बात शंकराचार्य ने की है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, स्थापना तर्क में भी पूछ लेता है। अब उपनिषदिक दर्शन क्या होता है, उपनिषद मतलब क्या होता है समझिएगा, उपनिषद मतलब होता है गुरु के समक्ष बैठना, गुरु के समक्ष
समझिएगा, नहीं समझ आएगा तो पूछना। गुरु के समक्ष बैठना, उपनिषद मतलब होता है गुरु के समक्ष बैठना। मतलब कहता है कि शंकराचार्य कहते हैं कि ये माया को दूर करने के लिए आपको गुरु के समक्ष जाना पड़ेगा, और गुरु जो है आपको उपनिषदिक दर्शन, यानी गुरु उपनिषद मतलब होता है गुरु के समक्ष बैठना, और जो उपनिषद में बातें दी गई है उसके बारे में विस्तार से बताएगा। यानी गुरु के समक्ष बैठना, यहां गुरु होगा और शिष्य होगा, गुरु और शिष्य, और जो गुरु जो है शिष्य को जो ज्ञान देगा, इसलिए मैंने कहा ज्ञान मार्ग। पूछता है कि शंकराचार्य किस मार्ग के है, ज्ञान मार्ग के। वो गुरु शिष्य को ज्ञान देगा, और ज्ञान तब तक देता रहेगा जब तक कि आप ब्रह्म के मूल स्वरूप को जान नहीं जाओ। आपको ज्ञान तब तक मिलते रहेंगे जब तक ब्रह्म के मूल स्वरूप को आप जान नहीं जाओ। जब आप ब्रह्म के मूल स्वरूप को जान जाओगे, जब आप ब्रह्म के मूल स्वरूप को जान जाओगे, तब जाके गुरु कहेंगे तत्त्वमसि ब्रह्म। जब आप गुरु के द्वारा दिए गए पूरी शिक्षा को प्राप्त कर लोगे, कि सारे दर्शन पढ़ लोगे, तब गुरु आपको कहेंगे तत्त्वमसि ब्रह्म। अब आप ही ब्रह्म हो, अब क्या हो, आप ही ब्रह्म हो, तब आप कह सकते हो अहम् ब्रह्मास्मि। अहम् ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, यानी कि मतलब मैं ही ब्रह्म हूं। मतलब संपूर्ण शिक्षा प्राप्ति के बाद आप इस स्टेज पर पहुंच गए। आप कहां पहुंच गए, इस स्टेज पर पहुंच गए, और इस स्टेज पर पहुंचने के बाद जो है आपने कहा कि अहम् ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यही दर्शन, इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मैं शंकराचार्य के दर्शन को आगे पढ़ाऊंगा, आज बेसिक में समझाता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझो, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। क्योंकि मेरे लोग को लगता है कि हड़बड़ काम शैतान का होता है कि जल्दी जल्दी खत्म करो। किसी किसी बच्चे का मैं तो सर ये जल्दी जल्दी खत्म करो, उनको कहते बेटा सिलेबस खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है, एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म करो। कोई बच्चे मुझे बता दे कि एग्जाम से पहले मैंने सिलेबस नहीं खत्म किया, अभी बच्चे का पेपर 30 को हो रहा, मैंने 1.5 महीने पहले सिलेबस खत्म किया। लगो बेटा सिलेबस खत्म हो गया, अब आप पढ़ो, तब भी मैं पढ़ाते रहा। तो वही चीज है कि हमें समझ के पढ़ना है, इतना ध्यान रखना। ये सारी बात शंकराचार्य की। अब सवाल इस पे बहुत सारे थे। शंकराचार्य 7वीं सदी के थे, 7वीं सदी के आर्थिक परिस्थितियों को आपने पढ़ा है, 7वीं 8वीं सदी में आदिकाल चल रहा था। क्या ज्ञान प्राप्ति का अधिकार सबको था, जिस ज्ञान मार्ग की बात शंकराचार्य कर रहे थे? मैं काट पे आता हूं, क्या ज्ञान प्राप्ति का अधिकार सबको था? ब्राह्मण क्षत्रिय के बाद तो था ही नहीं, वैश्य और शूद्र को तो पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो एक बड़ा वर्ग जो वैश्य और शूद्र जो समाज में 80% थे, उसे तो ज्ञान हासिल करने का अधिकार ही नहीं था। जब ज्ञान हासिल करने का अधिकार ही नहीं है तो उसके लिए ज्ञान मार्ग किस काम का? उसने उसके बाद कितने लोग ज्ञानी थे उस समय, सवाल तो यह भी उठता है। शंकराचार्य ब्राह्मण थे, दक्षिण भारत के कट्टर ब्राह्मणों में थे, उत्तर भारत में कुछ लोग थे, 1-2% ऐसे होंगे जो ज्ञान मार्ग पे चल लेंगे, लेकिन 99% जो है ज्ञान मार्ग पर चलने वाले नहीं थे, 99%। इसी कारण से जो है ज्ञान मार्ग पॉपुलर नहीं हो पाया। आप कहोगे कि सर ज्ञान मार्ग इतनी बढ़िया मार्ग आपने बताया, फिर ज्ञान मार्ग पॉपुलर क्यों नहीं हुआ, भक्ति मार्ग क्यों हुआ जो हम भक्ति मार्ग पढ़ते हैं? तो ज्ञान मतलब हमने कहा ना, साहित्य जब तक जनता आम लोग से जुड़ा हुआ रहता है तभी तक जीवित रहता है, जब वो आम लोग से कट जाए तो वो मृत हो जाता है। ज्ञान मार्ग भी उस समय यही था कि बड़े बड़े जो संस्कृत के आचार्य थे, बड़े बड़े जो ब्राह्मण क्षत्रिय थे, क्षत्रिय तो वैसे भी शिक्षा कम हासिल करते थे, उनको तो लड़ाई झगड़ा से
फुर्सत नहीं मिलता था, एक वर्ग ब्राह्मण वर्ग था, तो ज्ञान मार्ग जो है सीमित हो गया, ये डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अब दूसरा मार्ग हमने बताया, ईश्वर तक पहुंचने का दूसरा मार्ग है भैया, हमने क्या मार्ग बताया? योग मार्ग। योग मार्ग देने वाले थे पतंजलि। पतंजलि चौथी पांचवी शताब्दी में हुए हैं, तो योग मार्ग देने वाले पतंजलि। आपने पढ़ा है हठ योग, गोरखनाथ का जो हठ योग है वो भी योग मार्ग से संबंधित है। ठीक है, तो योग मार्ग जो है, आप बताया क्या ये है कि योग मार्ग के द्वारा भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन फिर सवाल यही उठता है, क्या सबके लिए योग मार्ग उचित था? सब योग कर सकता है? कहोगे नहीं। अब जो बीमार व्यक्ति है वो तो योग नहीं कर सकता है, योग के लिए भी मतलब किसी न किसी रूप में ताकत चाहिए, इसीलिए योग मार्ग भी उतना पॉपुलर नहीं हुआ। यद्यपि योग मार्ग ये अभी भी है, लेकिन मैं भक्ति मार्ग की तुलना में बता रहा हूं कि योग मार्ग उतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना भक्ति मार्ग हुआ। इसी तरह से तीसरा मार्ग आया कर्म मार्ग। कर्म मार्ग जैमिनी ने दिया था, और इसकी चर्चा जो है आपको भागवत गीता में भी मिलता है। भागवत गीता में पढ़ते हो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जिस करहिं तस फल जाका। तो कर्म मार्ग तीसरा मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का, कर्म मार्ग, कि आप कर्म कीजिए, जो जिस मार्ग पे हम सब चल रहे हैं, ये कर्म मार्ग है। जैमिनी बाबा ने दिया है कि हम खूब हार्ड मेहनत करें, कर्म करें, हमें फल मिलेगा। लेकिन कर्म मार्ग भी उतना अच्छा नहीं है जितना भक्ति मार्ग है, क्योंकि कर्म करने के लिए भी आपके शरीर में शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए, बैठने की ताकत चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, इसीलिए कर्म मार्ग भी उतना पॉपुलर नहीं हुआ। अब आते हैं आपका अपना मार्ग, भक्ति मार्ग। अब इसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं, जहां आपका टॉपिक ही है भक्ति मार्ग। भक्ति कहा जाता है, भक्ति कोई भी कर सकता है। शुक्ल जी ने बहुत अच्छी बात कही, शुक्ल का भी स्टेटमेंट आज मैं बताने वाला हूं। उन्होंने कहा भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। भक्ति के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, ना तो आपको ज्ञान की जरूरत है, ना तो आपको कर्म की जरूरत है, ना तो आपको योग की जरूरत है, ना तो आपको अगरबत्ती की जरूरत है, ना तो आपको मंदिर की जरूरत है। भक्ति तो दिल से होता है, मने मन आप कहीं भी हैं राम 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 पुकार सकते हैं, और जितने दिल से पुकारेंगे उतने जल्दी राम आपके नजदीक आएंगे। तो भक्ति मार्ग के संबंध में कहा जाता है कि जीव जब अपने आप को गॉड पर छोड़ देता है, देखो हर मार्ग के लिए आपको मेहनत करना है, भक्ति मार्ग में अपने आप को गॉड पे समर्पित कर देता है, अपने आप को गॉड पे निछावर कर देता है, जो है प्रभु तोर तेरा तुझको सौंपता हो क्या लागे। अनिकतन एक बच्चा जो निश्चल होता है, जिसमें किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होती है, भक्ति वही है। हमारा मन निश्चल होना चाहिए, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। मैं कभी कभी अपने ही बच्चों को कहता हूं, कभी कभी कोई बच्चे कमेंट नहीं करते, इतना मेहनत से वीडियो तैयार करता हूँ, 30 सेकंड टाइम नहीं निकालते, तो मैं ऐसे बच्चे को कहता हूँ, अरे भाई जब तुम गुरु के लिए 30 सेकंड नहीं निकाल सकते हो तो दुनिया के लिए क्या निकालोगे, खुद सोचो। तो फिर आप भक्ति नहीं कर रहे हो, आप स्वार्थी हो, हम सब स्वार्थी है। जब हम भक्ति का मतलब सिर्फ, आगे मैं आपको बताऊंगा, भक्ति का मतलब सिर्फ ईश्वर की भक्ति नहीं है, भक्ति का मतलब समाज सेवा भी है, भक्ति का मतलब दूसरे को मदद करना भी है, भक्ति का मतलब समाज को जोड़ना भी है। जैसे कहते हैं ना देशभक्ति, देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर पे लड़के योद्धा युद्ध नहीं कर रहे हैं, वही देशभक्त नहीं है, हम सब देशभक्त हैं,
जो हम समाज के लिए किसी न किसी रूप में काम आ रहे हैं। एक टीचर देशभक्त है जो अपने बच्चों को दिल से पढ़ा रहे हैं। मैं बताऊं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी टीचर की होती है, क्योंकि वही समाज का निर्माण करता होता है। एक छोटा सा पांचवी क्लास का बच्चा आता है, उसे कुछ पता नहीं होता है, वो तो एक मिट्टी के घड़े के समान होता है, उसे जैसा डालिएगा वैसा बनेगा। हम भी 3-4 साल स्कूल में पढ़ाए हैं दिल्ली में, मैं सोचता था ये बच्चे 10वीं में जाके इतने बदमाश कैसे हो जाते हैं, तो फिर लगता था कहीं ना कहीं हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम सही से उनकी परवरिश नहीं देते। तो यहां पर वही बात आ जाती है कि भक्ति जो है हम किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, चाहे सोए हो, जागे हो, नहाए हो, नहीं नहाए हो। कबीर खुद कहते हैं, कबीर जी की उल्टी बानी, पहले खानी फिर अतलानी। मैं वही करता हूं, मेरे पास को बुरा लगेगा, मैं डेली सुबह नाश्ता कर लेता हूं, भूख लग जाता है पढ़ाने उड़ाने के बाद, फिर 12-1 बजे जो है नहा वहा के पूजा करता हूँ, खाऊ के आराम से अगरबत्ती जलाता हूँ, मतलब मन को शांति के पूजा करता हूँ। दिल में भगवान होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। कोई अब मान लिया 3 दिन भूखे रह के अभी आया है, क्या नाम है उसे, तीज कहते हैं, जो अपने बच्चों के लिए करते हैं, 2 दिन भूखा रहना, हाँ जितिया, अब जितिया कहते हैं, सारे जितिया बिहार यूपी की लेडीज करती है, लेकिन अपने बच्चे को डेली गाली देती है, बढ़िया से पढ़ाती नहीं है, है ना। पति के लिए डेली करवा चौथ होता है साल में एक बार। एक दोस्त हमारा कह रहा था कि करवा चौथ करके मरने भी नहीं देती है और जो है सालों भर जीने भी नहीं देती। तो मतलब भक्ति क्या है, भक्ति के लिए आडंबर की जरूरत नहीं है। पूरे भक्ति काल में पढ़ोगे, भक्ति के लिए कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। आडंबर तो हमने लाया है, आडंबर तो बाह्य आडंबर है। जब आप भागवत गीता पढ़ते हो या फिर उपनिषद दर्शन के अभी हम बात कर रहे थे, यहां कोई आडंबर नहीं है, ऋग्वेद में कोई आडंबर नहीं है, वही भक्ति की बात हम लोग करने वाले हैं। शुक्ल जी बड़ी अच्छी बात करते हैं भक्ति के बारे में, थोड़ी शुक्ल की बुक का मैं थोड़ी 2-4 स्टेटमेंट लूंगा, मेरा फेवरेट है शुक्ल का बुक, और पूछता भी स्टेटमेंट उठा उठा के, मैं सोचा क्यों नहीं बता दो। तो शुक्ल जी देखिए क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात वो कहते हैं, मैंने लिखा है, शुक्ल जी कहते हैं कि भारत में भक्ति काल आया क्यों, भक्ति काल का डेवलपमेंट क्यों हुआ, समझिए। शुक्ल जी कहते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो जाने पर, शुक्ल जी ये बताते हैं कि हमने आपको पहले ही बताया आदिकाल में कि 7वीं सदी से ही भारत में इस्लाम आने लगे थे। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, वो सिंध और मुल्तान क्षेत्र को जीत लिया, जिस क्षेत्र को जीता कुछ मुसलमान वहां आके रहने लगे, धीरे धीरे मुसलमान जो है अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। और आपने देखा पृथ्वीराज राजस्व पढ़ा है कि मतलब कि पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु के बाद दिल्ली पे मोहम्मद गौरी का शासन हो गया और दिल्ली सल्तनत का इतिहास शुरू हो गया, और अंग्रेजों के आगमन तक अगले 600 सालों तक मुसलमानों का ही राज्य रहा। शुक्ल जी कहते हैं कि जब मुसलमान का राज्य भारत में स्थापित हो गया तो हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए कोई अवकाश नहीं रहा। यानी कि जब कोई व्यक्ति, चूंकि भारत में हिंदू लोग रहते थे, आपके शक्ति को अपने कब्जे में ले लेगा, आपको गुलाम कर लेगा, तो आपके अंदर कोई उत्साह रहेगा, कोई गौरव रहेगा, कोई मुझे बताइए। यही शुक्ल जी कहते हैं कि देश में जब देश में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए कोई अवकाश नहीं रहा, उसके सामने ही देव मंदिर गिराए गए, उसके सामने ही देव मूर्तियां तोड़ी गई। शुक्ल जी का स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, उसके सामने ही देव मंदिर गिराए गए, देव मूर्तियां तोड़ी गई, पूज्य पुरुषों का अपमान किया गया, हमारे जो पूज्य पुरुष थे उसका अपमान किया गया, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब मान लिया आपके कोई आके घर में मंदिर तोड़ दे, आपके पूज्य पुरुषों का अपमान करे, तो
किस शर्त पे आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप गुलाम होगे, डरे होगे, होगे कि नहीं होगे, या आपके अंदर साहस नहीं होगा, आपके अंदर शक्ति नहीं होगा। वही शुक्ल जी कहते हैं कि पूज्य पुरुषों का अपमान होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसी दशा में हिंदू अपने वीरता का वखान तो नहीं गा सकता था। अब किसी से आप हार गए हो और वीरता का वखान गा सकते हो, बताओ? नहीं गा सकते हो। शुक्ल जी यही कहते कि ऐसी हार की स्थिति में आप खुद की ना तो वीरता का वखान गा सकते थे और ना ही लज्जित हुए बिना रह सकते थे। ना तो वीरता का वखान गा सकते थे, ना ही लज्जित हुए बिना रह सकते थे, ना तो लज्जित रहे बिना रह सकते थे। शुक्ल जी कहते हैं इस राजनीतिक उलटफेर के कारण जब हिंदुओं से सत्ता मुसलमानों के पास चली गई तो बहुत दिनों तक जो है हिंदुओं में उदासी छाई रही, बहुत दिनों तक हिंदुओं में उदासी छाई रही। शुक्ल जी लिखते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान लगाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। भगवान का रास्ता दो ही लोग चुनता है, मैं बता दूं, एक तो शक्तिशाली चुनता है जैसे अंबानी जाते हैं मंदिर में अगरबत्ती जलाने के लिए शौक से, दूसरा अपने पौरुष से हताश जाति जाता है कि जब अपने पौरुष पे विश्वास। अब देखो बुढ़ापे में लोग 24 घंटा राम 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 क्यों करता। मैं तो अपने घर में देखो, मेरे पिताजी एक बार कहानी सुनाए थे कि मधुबाला के पिक्चर 64 में देखने के लिए हम लोग जो है 200 किलोमीटर ट्रेन के पोदाम पकड़ के लटके चले गए, हाथ में खून बहने लगा। और वही अब है तो 24 घंटा रामचरित मानस पढ़ते, बुढ़ारी में सबको देखते हो ना राम 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 करते हुए। क्यों? कि शुक्ल जी भी कहते हैं कि अपने पौरुष से, अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो कुछ कर सके, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान के शक्ति और करुणा की ओर ध्यान लगाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। इसी ध्यान लगाने के कारण भक्ति का उद्भव हुआ। शुक्ल जी का स्टेटमेंट जरूर, शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि हमारे देश में भक्ति काल क्यों आया या भक्ति काल का विस्तार क्यों हुआ, कि जब भारत में इस्लाम आ गए तो इस्लाम आए तो जो है सत्ता परिवर्तन हुआ, बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, बहुत सारे दिव्य पुरुषों की मूर्तियां तोड़ी गई, हमारे पूज्य पुरुषों का अपमान हुआ, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते थे। इस कंडीशन में हम अपनी पौरुष का गान नहीं गा सकते थे और ना ही लज्जित हुए बिना रह सकते थे। बहुत दिनों तक उदासी छाई रही और उदासी से निपटने के लिए ही हम भक्ति के शरण में गए। जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं, कहते भगवान जी संभाल लेना, ये सेक्शन बड़े कमजोर है। अभी जो भी बच्चे पेपर देंगे सुबह शाम अगरबत्ती जलाते हो कि भगवान जी ये सेक्शन हमें संभाल लेना, तो वही कहते हैं अपने पौरुष से आते। दूसरी बात शुक्ल जी कहते हैं, देखो मैंने इसीलिए कहा आदिकाल समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आदिकाल की पृष्ठभूमि पर ही भक्ति काल का डेवलपमेंट हुआ। शुक्ल जी कहते हैं कि ये सब तो राजनीतिक परिस्थिति थी, ऊपर जो अपने पौरुष से हताश जाति क्यों भक्ति के शरण में गए, ये तो राजनीतिक कारण था कि राजनीतिक कारण मतलब सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ तो जो नए वर्ग आए मुसलमान आए वो मंदिरों को तोड़े, पूज्य पुरुषों को नष्ट किए, इसीलिए आम जनता परेशान होकर के भक्ति के शरण में चले गए। दूसरी बात शुक्ल कहते हैं कि धार्मिक स्थिति क्या थी इस दौर की। शुक्ल जी बताते हैं कि आपने आदिकाल के अंतर्गत आपने देखा कि पूर्वी भारत में, मैं इसको थोड़ा समझाता हूं, ये तो आप समझ गए शुक्ल वाला सत्ता परिवर्तन। ये है पूर्वी भारत, ये एरिया है ना पूर्वी भारत, और ये है पश्चिमी भारत। शुक्ल जी यहां पर कहते हैं कि इस दौर में जो था पूर्वी भारत में धर्म के स्थल पर ब्रजयानी और कपालिक सिद्ध जो है
पूर्वी भारत में अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। यानी कि पूर्वी भारत में शुक्ल जी कहते हैं सिद्ध, सिद्ध में ही ब्रजयान था, आपने पढ़ा है ब्रजयान कपालिक सब हमने पढ़ा है। शुक्ल जी भी कहते हैं कि पूर्वी भारत में जो है ब्रजयानी सिद्धों का प्रभाव था, वही पश्चिमी और उत्तरी भारत में जो है नाथपंथी जोगी रहते थे। हमने बताया था पश्चिमी, पश्चिमी एरिया ये है और ये एरिया है नाथपंथी का, पंजाब और राजपूताना हमने खूब डेवलप से बताया था कि पंजाब और राजपूताना में उनका कैसा डेवलपमेंट चल रहा था। तो हमें ध्यान में ये बात रखनी है कि शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति काल से पहले ही पूर्वी भारत में ब्रजयानियों का बोलबाला था, सिद्धों का बोलबाला था, वही पश्चिमी भारत में जो था नाथपंथियों का बोलबाला था, जिसके कारण समान जनता की धार्मिक भावना दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से दूर होता जा रहा था। मेरी बात समझिएगा, बहुत बड़ी बात कह दी कि मतलब कहने का मतलब ये है कि कहा कि भक्ति काल से पहले की जो स्थिति आदि काल में थी पूर्वी भारत में सिद्धों का प्रभाव था। हमने सिद्ध शाहिद बताया, जिस तरह तंत्र मंत्र में विश्वास करता था, आम लोगों पर अपना प्रभाव जमाता था, इसी तरह नाथ पंथ में जो है हठ योग था, हठ योग भी आम जनता के लिए नहीं था, और पश्चिम में और उत्तरी भारत में ये अपना प्रभाव जमा रहा था, जिसके कारण आम जनता जो है दबती जा रही थी। अगर मैं इसे ट्रायंगल की बात करूं, कहा कि जो भार जो जन आम जनता थी वो तीनों ओर से पिस रही थी, तीनों ओर से उन्हें दबाया जा रहा था। एक तरफ पूर्वी भारत में सिद्ध लोग थे ब्रजयानी, पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत में नाथपंथी थे, और बीच में दक्षिण भारत मुस्लिम मत समझ लेना, मैंने एक सिर्फ ट्रायंगल बताया है, बीच में जब मुसलमानों का भारत पे आक्रमण होने लगा तो ये मुसलमान भी जो है आम जनता को दबाने लगे। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मुसलमानों के साथ सूफी आए और ये सूफी भी चमत्कार में विश्वास करते थे और जनता पर अपना प्रभाव डालना चाहते थे। शुक्ल जी कहते हैं कि जनता तीनों ओर से त्रस्तित थे, जनता मूल धार्मिक भावना से दूर हो गई थी, मतलब धर्म से, जो धर्म के मूल निचोड़ है ना, उससे जनता दूर हो गई थी। इन सब के जो धार्मिक भावनाओं से जनता दबती जा रही थी। अब मान लिया नाथपंथी धर्म के क्षेत्र में कुछ और बातें कहते थे, ब्रजयानी कुछ और बातें करते थे, सूफी भारत में आए वो कुछ और बातें थे, यानी जो रिलीजन था इंडिया का वो रिलीजन प्योरिटी से अलग होने लगा। शुक्ल यही कहते हैं। शुक्ल जी आगे कहते, धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। ये तीनों समझ गए ना, आपको पूछेगा तो क्यों जनता दबती जा रही थी भक्ति काल के शुरुआती दौर में, तो एक तरफ उसे सिद्ध जवा दबा रहे थे नाथपंथी और तीसरी तरफ मुसलमान। अब आगे कहते हैं, शुक्ल के व्यू को ही पहले लेंगे और सारे व्यू लेंगे भक्ति काल में अलग से, अभी तो बहुत सारी चीज हमें पढ़ना है, बस आज मैं थोड़ी बातें समझा रहा हूं। शुक्ल जी कहते हैं कि धर्म का प्रवाह तीन धाराओं से चलता है, जिसकी अभी हमने चर्चा किया, कर्म ज्ञान और भक्ति। इसमें इन्होंने जो है, हमने चार धारा बताया था ना, उसमें जो है योग को छोड़ दिया। शुक्ल जी मानते हैं धर्म का प्रवाह तीन धाराओं से चलता है, लिख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। शुक्ल जी मानते हैं कि धर्म का प्रवाह जो है तीन धाराओं से चलता है और इन तीनों के सामंजस्य से ही
धर्म पूर्ण रूप में सजीव बना रहता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म जो है सजीव बना रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं, सीरियस लेना है, ऐसे नहीं कि हवाबाजी कर देना। इसे मास्टर पढ़ा रहा है, कहते हैं ना इसे मास्टर भाई बटर बटर बोल रहा है ना, लेकिन बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, है ना, तो टेंशन नहीं लेना, एकदम समझेंगे। अब शुक्ल जी कहते हैं कि धर्म का प्रवाह तीन क्षेत्र से होता है, कर्म से, आप अच्छे कर्म कर रहे हो, ज्ञान से और भक्ति से। इन तीनों में जब सामंजस्य होता है, इन तीनों के सामंजस्य से, कहते हैं कि इन तीनों के सामंजस्य से जो है धर्म जो है पूर्ण सजीव बना रहता है। पूर्ण क्या बना रहता है? सजीव बना रहता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति में, किसी भी व्यक्ति को धार्मिक होने के लिए कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का होना जरूरी है। यहां धार्मिक से मतलब बिल्कुल मत लेना बाह्य आडंबरों से, धार्मिक से बिल्कुल मत लेना, मैं अर्थ आगे बताऊंगा, कि चंदन टीका लगा लिए, करवा चौथ कर लिए, और कौन कौन व्रत होता है, सोमवारी कर लिए, मंगलवारी कर लिए, हो गया धर्म। ऐसे सोमवारी करने से पति आईएएस मिलता तो सारे सोमवारी ये कर लेते भैया, है ना, कर्म से ठीक है। तो वो धर्म नहीं है जिस धर्म को हम लोग लेके चल रहे हैं, धर्म बहुत अलग है, इसकी चर्चा आगे मैं करूंगा। शुक्ल जी ने कहा तीन चीज अगर आपके पास है तो धर्म जीवित रहता है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कहते हैं इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म जीवित रहता है। कहते हैं किसी एक के अभाव में वह विकलांग हो जाता है। अगर एक का भी अभाव है तो धर्म जो है विकलांग हो जाता है। देख लेना, किसी एक के अभाव में जो है वह विकलांग हो जाता है। कर्म, ज्ञान और भक्ति अगर एक भी अभाव है तो धर्म जो है विकलांग हो जाता है, वह विकलांग हो जाता है। मान लिया कि आपके पास कर्म है और भक्ति है, ज्ञान नहीं है, तब भी आप विकलांग है। आपके पास भक्ति और ज्ञान है, कर्म नहीं है, या ज्ञान और कर्म है, भक्ति नहीं है, तब भी विकलांग है। तो शुक्ल जी कहते हैं किसी एक के अभाव में वह विकलांग रहता है, कर्म के बिना वह लूल्हा लंगड़ा हो जाता है। लिख लेना ये स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, चार पांच बार पूछा है, लिखिएगा, कर्म के बिना वह लूल्हा लंगड़ा हो जाता है। लूल्हा समझते हो, लूल्हा लंगड़ा, उचुक उचुक के जो चलता है, लंगड़ा। कर्म के बिना वह लूल्हा लंगड़ा हो जाता है, कर्म के बिना वह लूल्हा लंगड़ा हो जाता है, ज्ञान के बिना वह अंधा हो जाता है, ज्ञान के बिना वह अंधा हो जाता है, लिखना जरूर, ज्ञान के बिना वह अंधा हो जाता है, ज्ञान के बिना वह अंधा हो जाता है, और भक्ति के बिना हृदयहीन निष्प्राण रहता है। भक्ति के बिना हृदयहीन और निष्प्राण रहता है, भक्ति के बिना हृदयहीन और निष्प्राण हो जाता है। अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो आप हृदयहीन है। भक्ति के बिना हृदयहीन हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में, कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। शुक्ल जी कहते हैं कर्म और भक्ति ही जन समुदाय की संपत्ति होती है, कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है, कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। आगे लिखिएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो, हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो
अर्थ शून्य, अर्थ शून्य विधि विधान, कर्म तो अर्थ शून्य विधि विधान, कर्म तो अर्थ शून्य विधि विधान कोमा तीर्थाटन, कर्म तो अर्थ शून्य विधि विधान कोमा तीर्थाटन, पर्व स्नान, पर्व स्नान, पर्व स्नान आदि के संकुचित घेरे में, आदि के संकुचित घेरे में बद्ध हो गया, आदि के संकुचित घेरे में बद्ध हो गया मतलब जुड़ गया। शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य के आदि काल में जो कर्म था ना, कर्म तो होना चाहिए, वह अर्थ शून्य विधि विधान, मतलब विधि विधान आप लोग समझते ही हो, तीर्थाटन कि तीर्थाटन पर पहुंच गया, कर्म करेंगे तीर्थाटन जाएंगे, यानी कि हरिद्वार की यात्रा करेंगे, हज का यात्रा करेंगे, मक्का की यात्रा करेंगे तो हमें सीधे मोक्ष मिलेगा। तो यहां तक ही संकुचित हो गया, पर्व त्योहार स्नान तक संकुचित हो गया। देखिए धर्म की भावनात्मक अनुभूति, धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति, धर्म की भावनात्मक अनुभूति, लिखेगा धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति, धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति जिसका सूत्रपात बहुत पहले महाभारत काल से चला आ रहा था, धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति जिसका सूत्रपात महाभारत काल से ही चला आ रहा था, महाभारत काल से ही चला आ रहा था, महाभारत काल से ही चला आ रहा था, कहीं कहीं दबती और कहीं कहीं उभरती, कहीं कहीं दबती, थैंक यू, कहीं कहीं दबती और कहीं कहीं उभरती हुई, कहीं कहीं दबती और कहीं कहीं उभरती हुई किसी प्रकार चल रही थी, किसी प्रकार चल रही थी, किसी प्रकार चल रही थी। फिर से समझिएगा शुक्ल जी क्या कहते हैं। शुक्ल जी ने कर्म के बारे में कहा कि कर्म तो अर्थ शून्य विधि विधान तीर्थाटन पर्व स्नान में जाकर के संकुचित हो गया। धर्म जो था, धर्म की भावनात्मक अनुभूति जो है, जिसका सूत्रपात्र जो है महाभारत काल से ही चला आ रहा था, वह भी ज्यादा उत्कृष्ट स्टेज में नहीं था, कहीं दबती कहीं उभरती चली आ रही थी। धर्म के बारे में कहते हैं, एक दो लाइन और लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, समझ तो आ रहा है ना मैं जो लिखवा रहा हूं सबको, कोई दिक्कत है तो पूछिए, क्योंकि यहां से स्टेटमेंट उठा के पूछता है, इसलिए मैंने कहा कि शुरुआत में ही इसे लिखा दो। लिखिएगा अर्थ शून्य बाहरी विधा विधि विधान, अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान, अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान तीर्थाटन, तीर्थाटन पर्व स्नान, पर्व स्नान अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान तीर्थाटन पर्व स्नान आदि को फैलाने का जो कार्य, आदि को फैलाने का जो कार्य, आदि को फैलाने का जो कार्य ब्रजियानी सिद्धों
और नाथपंथी योगियों के द्वारा जो हुआ, ब्रजियानी सिद्धों और नाथपंथियों के द्वारा हुआ, ब्रजियानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा हुआ। मतलब कि शुक्ल जी ये मानते हैं कि जो ये तीर्थाटन था, बाह्य विधान था, परवस्नान था, इसको फैलाने का कार्य जो है ब्रजियानी सिद्धों और नाथपंथियों के द्वारा हुआ, जो पहले ही आदि काल में ही हो चुका था। कहने का मतलब ये है, यहां इसी में लिखिएगा, जहां ब्रजियानी सिद्ध तांत्रिक साधना पर जोर देते थे, वही नाथपंथ शुष्क हठ योग पर जोर देते थे। शुष्क हठ योग पर जोर देते थे। कहने का मतलब शुक्ल जी ये कहते हैं कि भक्ति काल का जो प्रारंभिक दौर था, उससे पहले का दौर था कि एक तरफ सिद्धों का प्रभाव था जो तंत्र मंत्र की साधना पर बल देते थे, और इसी कारण पूर्वी भारत में हमने लिखवाया था पहले कि धर्म के नाम पर कितना व्यभिचार फैला। वही जो नाथ पंथ जो थे वो हठयोग की बात करते थे जो शुष्क था, हठयोग में कहीं प्रेम दिखाई नहीं पड़ता था, इसकी बात करते थे। इसी में लिखिएगा, इसी की ओर लक्ष्य करके तुलसीदास ने कहा था, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। तुलसीदास का ये लाइन है, याद रखना, पूछता है नेट में बहुत बार पूछा है, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग। गोरख जगाए जोग तुलसीदास के लाइन था, इसी को लक्ष्य करके तुलसीदास ने कहा था, गोरख जगाए दो भक्ति भगाए लो, गोरख जगाए जो और भक्ति भगाए लो। तो बेसिक चीजें मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे शुक्ल जी जो है भक्ति के बारे में क्या कहना चाहता है ना। और शुक्ल के स्टेटमेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही साथ सब पढ़ लेंगे तो, चूंकि अभी हमने संत काव्य नहीं पढ़ा है, सुफी नहीं पढ़ा है, उनके बारे में शुक्ल के स्टेटमेंट बताऊंगा तो फिर समझ नहीं आएगा। हम सिर्फ आदिकाल के बारे में इसलिए बताया कि हमने ऑलरेडी आदिकाल पढ़ लिया है। थोड़ा सा अभी हमने कहा कि शुक्ल, मतलब कि ये भी शुक्ल जी ने कहा था, भक्ति जो है धर्म का रसात्मक रूप है, क्योंकि यही जो है बुद्धि शरीर क्रियाओं पर आधारित। भक्ति को इतना आगे क्यों बढ़ गया, इनको समझिएगा, लिखाने का कल काम सब कल करूंगा कि भक्ति तीनों मार्ग से अधिक पॉपुलर क्यों हो गया। तो शुक्ल जी भी ये बताते हैं कि यह बुद्धि शरीर या क्रियाओं पर आधारित ना होगा। भक्ति ना तो बुद्धि पर आधारित होता है, ना तो शारीरिक क्रियाओं पर आधारित होता है।
बल्कि यह मनुष्य की भावनाओं पर आधारित होता है, कि भक्ति जो है भावना से संबंधित होता है। ईश्वर विषयक रति के भाव की अभिव्यक्ति ही भक्ति है, कि हम ईश्वर विषयक जो एक जो है ना भावनाओं से, जब हम किसी ना तो शक्ति से ना ताकत से ना बुद्धि से बल्कि भावनाओं से किसी को याद करते हैं तो वही भक्ति है। और एक चीज आपने देखा कि चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे वो कर्म मार्ग हो, योग मार्ग हो, ये सर्व सुलभ नहीं था, मतलब सबके लिए उपलब्ध नहीं था, लेकिन भक्ति जो है वह सबके लिए उपलब्ध था। भक्ति के लिए ना तो ज्ञान मार्ग की जरूरत थी, ना कर्म मार्ग की जरूरत थी, ना ही योग मार्ग की जरूरत थी, क्योंकि भक्ति कोई भी कर सकता है। आगे भक्ति में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम लोग चर्चा करेंगे। अभी भक्ति में हम लोग शंकराचार्य को पढ़ रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है शंकराचार्य को हम लोग को पढ़ना, क्योंकि शंकराचार्य से रिलेटेड एक सवाल पूछता है सिस्टमेटिक जो है, कल हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, जो शंकराचार्य के अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य के द्वैत विशिष्टाद्वैतवाद, बल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद और भी है, ठीक, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी बात ये भी आता है कि भक्ति जो है आगे चल के रामानंद के दौर में जब भक्ति आगे बढ़े, जिसमें रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, जो भक्ति में दो धाराओं में भक्ति बढ़ता है, एक सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। आचार्य शुक्ल ने भक्ति की दो धाराएं बताई थी जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में इन्होंने राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा को लिया। आगे भक्ति जो है दो धाराओं में हम लोग पढ़ेंगे, याद रखिएगा भक्ति के दो पार्ट होंगे, पहला है सगुण और दूसरा है निर्गुण, या कोई भी पहले कर सकते हो। इनके दो भाग हैं, राम भक्ति धारा सबको अलग से पढ़ेंगे हम लोग आगे, दूसरा है कृष्ण भक्ति धारा। इसी तरह निर्गुण में है संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, ठीक है, संत को ही ज्ञान मार्गी और उधर जो है प्रेम मार्गी कहते हैं। इन सबको आगे पढ़ेंगे। और एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर भक्ति काल का उद्भव कैसे, थोड़ी सी हम चर्चा कर ले। जैसे भक्ति काल के उद्भव के संबंध में अभी हमने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दृष्टिकोण आपको बताया कि भक्ति काल में जो है शुक्ल जी जो होते हैं, उसने बताया कि विदेशी आक्रमण के कारण ही भक्ति काल का उद्भव हुआ। भारत में जब मुसलमान आए तभी भक्ति काल का उद्भव हुआ। बहुत सारे ये लोग मानते हैं विदेशी व्याख्या को, जॉर्ज ग्रियर्शन भी मानते हैं, आबिद हुसैन भी मानते हैं, आगे ताराचंद भी मानते हैं, इसको भी हम बताएंगे कैसे कैसे भक्ति काल। दूसरी, भक्ति काल में मार्क्सवादी व्याख्या भी आया, उन मार्क्सवादी व्याख्या को भी हम लोग पढ़ेंगे कि मार्क्सवाद जो है भक्ति काल के उद्भव के बारे में क्या बताता है। इसी तरह से भक्ति काल में हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मानना है। जैसे जॉर्ज ग्रियर्शन, बड़ा फेमस नाम है, जॉर्ज ग्रियर्शन ने कहा था कि भक्ति काल अचानक बिजली की तरह पैदा हुआ। जॉर्ज ग्रियर्शन कहते हैं कि जैसे यूरोप में संत थेरेसा का आंदोलन आया, वैसे ही भारत में जो है भक्ति आंदोलन अचानक बिजली की तरह फैला। कैसे फैला? अचानक बिजली की तरह फैला। हम लोग देखेंगे कि उसी पर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भक्ति काल जो है अचानक बिजली की तरह नहीं फैला। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ग्रियर्शन का विरोध करते हैं।
वे कहते हैं कि भक्ति काल अचानक बिजली की तरह नहीं फैलता फैला, उसके लिए सैकड़ों वर्षों से मेघ खंड एकत्रित हो रहे थे, उसके लिए जो है सैकड़ों वर्षों से मेघ खंड एकत्रित हो रहे थे और एकाएक भक्ति काल नहीं आया बल्कि धीरे धीरे आया। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी की भी आलोचना कहते हैं, वो कहते हैं इस्लाम के आक्रमण के कारण ही भारत में भक्ति आंदोलन आया, अभी हमने डिस्क्रिप्टिव में बताया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं इस्लाम भारत में नहीं भी आया होता तो भक्ति का स्वरूप 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज। मेरी बात समझ रहे हैं? शुक्ल जी की आलोचना करते हुए वो कहते हैं, शुक्ल जी जो कहते हैं कि भक्ति आंदोलन के उद्भव के पीछे इस्लाम का देन है, क्योंकि इस्लाम ही आए, मूर्ति तोड़े, पूज्य पुरुषों को नाश किया, अपने पौरुष से हताश हुआ, इसीलिए भक्ति सरल बन गए। शुक्ल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अगर इस्लाम भारत में नहीं भी आया होता तो 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। एक रुपया में कितने आने होते हैं कोई मुझे बताओ। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी 16 आना नहीं कहते हैं, वो भी मानते हैं कि 4 आना प्रभावित होता, इसीलिए वो 12 आना 75% वैसा ही होता जैसा कि आज है, लेकिन इस सब के आने के पीछे 25% तो प्रभावित होता। क्लियर है? इसी तरह और भी पढ़ेंगे हम लोग, बहुत बहुत सारी बातें भक्ति आंदोलन में पढ़ने वाले हैं, जैसे मार्क्सवादी, इसी साल 2021 के सवाल में स्थापना और तर्क में पूछा हुआ था कि मार्क्सवादी साहित्य का केंद्रीय आधार जो है श्रम है, सही है कि गलत है? मार्क्सवादी साहित्य का केंद्रीय आधार श्रम है। श्रम समझते हो? मेहनत, श्रम करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? अभी खड़ा होकर श्रम ही तो कर रहे हैं। आप क्या करते हो? रोटी बनाते हो, सब्जी बनाते हो, ये भी तो श्रम है ना? सही है कि गलत है? दिमाग लगाओ। मतलब वीडियो नहीं देखे हो, आज ही स्थापना तर्क का वीडियो हमने बना के भेजा है। बिल्कुल सही है देवी, वीडियो भेजता हूँ, देख लिया करो, बड़े क्रीम चीज में बना के भेजता हूँ अपनों बच्चों के लिए कि देखे कुछ सीखे। ठीक, बिल्कुल सही है। मार्क्सवाद का जो आधार है ना, अर्थ है, श्रम है, वो सर्वहारा को केंद्र में रखता है। मार्क्सवाद में पढ़ूंगा और मार्क्सवादी व्याख्या भक्ति काल में भी बताऊंगा। भक्ति काल में कहा कि भक्ति का आधार क्या है? अर्थ है। भक्ति का आधार मार्क्सवादी कहते हैं कि श्रम है, और खास करके कहते हैं अलग अलग लोग मार्क्सवाद के व्याख्या के लिए वो अर्थ को केंद्र में रखकर चलते हैं। मार्क्सवादियों में इरफान हबीब आते हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, बड़े पैमाने पर सड़क बनाए गए, रोड बनाए गए, तो लोगों में आर्थिक समृद्धि आई, और जब लोगों में आर्थिक समृद्धि आई तो वही भक्ति की ओर चले गए। तो मैंने कहा कि भक्ति जो है अर्थ, जहां अर्थ से जुड़ा है वहां मार्क्सवाद आएगा, कि मार्क्सवादी साहित्य का मूल आधार अर्थव्यवस्था है। जैसे अब नागार्जुन को पढ़े होगे, नागार्जुन क्या है? मार्क्सवादी कवि है। मुक्ति बोध क्या है? मार्क्सवादी कवि है। दाने आए घर के अंदर बहुत दिनों के बाद, ये किसके बात कर रहे हैं? सर्वहारा गरीब की बात कर रहे हैं। किसी के घर में दाना बहुत दिनों के बाद आया है, इसका मतलब क्या है? वो दाने के बिना भूखे रहते होंगे या कम खाते होंगे। अमीरों के लिए तो कोई नहीं कहता है दाना। कभी आपने कहा कि सब्जी आए मेरे घर के अंदर बहुत दिनों के बाद? कोई बता दो कि दिल्ली वाले फ्लैट में रहने वाले कोई कहे हो, सर जी बहुत दिनों बाद हमने सब्जी खाया है? नहीं खाओगे, क्योंकि आपके पास इतना पैसे है कि आप डेली सब्जी खाते हो। वहां मार्क्सवादी सर गरीबों के बारे में कहता है दाना आए घर के अंदर बहुत दिनों के बाद, चमक उठी घर घर की आके बहुत दिनों के बाद। जो गांव के लोग होते हैं, जब उनका मक्का कटता है, गेहूं कट के घर आता है, घर भर की आंखें चमक जाता है,
हम लोग को याद है गेहूं में रहते थे, जब गेहूं मक्का आता था तो बर्फ खाते थे, 5 रुपया वाला, 1 रुपया वाला बर्फ जो है गेहूं ले लेते थे चुरा के, या ऐसे भी पथार से गेहूं उठाए बर्फ वाला बेचने आता था उसको देते थे। आप लोग में जो मेरे एज के होंगे वो इंजॉय किए होंगे जो गांव से होंगे, यानी घर में जैसे ही गेहूं मक्का आया ठीक है हमारा बर्फ डेली चलता था, जो आज दिल्ली वाले आइसक्रीम कहते हैं, तो उससे अभी उसे हम लोग अब तो खैर मैं गांव में नहीं हूँ पिछले 20 साल से, तो बर्फ खाते थे बिल्कुल। तो उनके लिए मार्क्सवाद लिखता है, समझो मैं उसी से जोड़ के कह रहा हूं, उनके लिए, ये दिल्ली वाले के लिए नहीं लिखते हैं कि एसी में बैठे हुए है तो बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है कि 50 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है, घर से निकले गाड़ी में बैठ गए चले गए, उनके लिए क्या। हमने कभी सुना है कि दाने आए, कभी किसी को नहीं सुना है कि आज दूध पिए कि नहीं पिए। हमारे बच्चे तो बोलते हैं सर जी इतना दूध पीते हैं कि हर दिन चिकन मटन मुर्गा चलता है, तो कहाँ से होगा। तो याद रखना मार्क्सवाद जो है ना गरीबों को ध्यान रखता है, सर्वहारा को। मार्क्सवाद का डेवलपमेंट मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से एक सवाल हर बार पूछ लेता है मार्क्सवादी अप्रोच पे, क्योंकि मार्क्सवाद का डेवलपमेंट भारत में जो जुड़ाव मुख्य रूप से रहा है कृषक वर्ग से, मार्क्सवादी अप्रोच इसलिए क्योंकि भारत में औद्योगिकरण का डेवलपमेंट कम हुआ, यानी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का विकास कम हुआ, हमारे यहाँ गरीब किसान थे कृषक थे, इसीलिए मार्क्सवादी अप्रोच कृषक तक पहुंच गया। वही जब यूरोपीय जगत में मार्क्सवाद को हम लोग पढ़ते हैं, वहां सर्वहारा से मतलब था मील मजदूर, शोषण बहुत होता है मील मजदूर का। अभी भी आप लोग, हम सब दिल्ली में रहते हैं या बहुत सारे बच्चे गांव में रहते हो, आप सुने होंगे लोग दिल्ली कमाने के लिए आता है, सुने हो यूपी बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली कमाने आता है, ठेला खींचता है, मेरे गांव के भी बहुत सारे लोग हैं, कभी कभी मिलने जाता हूं। कितने वो सर्वहारा है, दिन भर मेहनत करता है और पटरी पे ही चादर बिछा के सो जाता है। अब रात को कभी गाड़ी से निकलो 12 बजे 1 बजे, बहुत सारे लोगों को पटरी पर सोते हुए देखते हो, वो सर्वहारा है। उसी की बात जो है, उसी के समर्थन में जो है मार्क्स लिखता है, इसीलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज में दो ही वर्ग है, एक सर्वहारा वर्ग है और दूसरा पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति वर्ग सर्वहारा का शोषण करता है। वो कहता है कि ये शोषण कैसे होगा, खत्म कैसे होगा, मार्क्स कहता है समाजवादी क्रांति के द्वारा होगा। इसके लिए वो कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, बड़ी अच्छी बात कहते हैं, मैं शुरू से ये पढ़ाते आया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, मार्क्स कहते हैं तुझे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा संसार है। जब से मैंने कोचिंग शुरू किया ये डायलॉग जरूर सुनाता हूँ बच्चे को, हम सबके लिए खोने को कुछ नहीं है, पाने को सारा संसार है। आज 5 साल पहले जो बच्चे हमसे जुड़े थे, आज सारा संसार जीत चुके हैं वो, कहीं परमानेंट टीचर है, कहीं प्रोफेसर है, कहीं एडहॉक है, कहीं ना कहीं वो पहुंचे हुए हैं। तो मार्क्स आज भी अपने थॉट में जिंदा है, जब भी कहते हैं कि तुम्हारे खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने, एक सर्वहारा को खोने के लिए क्या है, शर्म ही तो है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन पाने के लिए सारा संसार है, अगर चाह लिए तो वो सारा संसार पा सकते हैं। हम लोग अपने ही जीवन में देखे कि खोने को कुछ नहीं था, हमारे सीनियर आज भी कहते हैं मैं एक बड़ी दुखी हो जाता हूँ कि मैंने सरकारी नौकरी नहीं किया और मैं इतना एटीट्यूड वाले आदमी हूँ कि कॉलेज में किसी से मेरा बनता नहीं है, किसी टीचर से बनता नहीं है, इसीलिए कॉलेज में मैं टिकता नहीं हूँ, कहीं एडहॉक गेस्ट पढ़ाने में 2-3 बार लगा भी तो मेरा एटीट्यूड के कारण जो है मैं छोड़ के भाग आता हूँ। तो मेरे सीनियर है वो कहते एक बात बताओ जब दिल्ली गए थे तो क्या लेकर गए, तो मैंने बोला एक बक्सा ले गए, एक बक्सा टीन वाला होता है, जब पुराने जमाने में कोई पढ़ने के लिए दिया जाता था तो उसे टीन वाला बक्सा देता था, तो आज क्या है, तो मैंने बोला आज तो बहुत कुछ। तो वही बात है कि खोने को कुछ नहीं है, पाने को, एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जहां खोने को कुछ नहीं होता है और पाने को सारा संसार होता है, यही बात मार्क्स कहता है, यही अप्रोच अर्थ का अप्रोच है। और एक सवाल हर साल पूछता है, पिछले 10 साल के जो 10 ईयर उठा लीजिए स्थापना और तर्क को,
मार्क्स का एक सवाल हर साल है, कभी मार्क्स से पूछेगा, कभी दलित से पूछेगा, कभी छायावाद, इस बार भी छायावाद से पूछ लिया सब। तो ऐसे चीजों को हमें समझना पड़ेगा, हमें रटना नहीं पड़ेगा कि आज तक जो हम सब रटते आए हैं साहित्य को, भैया रट जाओ, मेमोराइज कर लो, किसी से पूछो, अरे साहित्य में कुछ नहीं है, एक लो लुसेंट टाइप बुक लो, रट जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझेंगे इन चीजों को, तो धीरे अभी पढ़ा रहा हूँ एक सप्ताह, ज्यादा सेक्शन नहीं ले रहा हूँ, तो चिंता मत करना, क्योंकि बच्चों का बहुत पेपर है, बहुत सारे बच्चे नए हमारे हैं जो रुके हुए हैं, वो भी क्लास लेंगे, तो 30 तक जो है आप लोग का थोड़ा धीरे क्लास चलेगा, उसके बाद 2 घंटे का क्लास हो जाएगा, 4 से 6 2 घंटे का क्लास हो जाएगा, फिर हम लोग एक रफ्तार में पढ़ते चलेंगे। तो भक्ति काल में बेसिक चीजें आज हमने सीखा है, जो भक्ति काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या दृष्टिकोण रहा है, और खास करके भक्ति काल में हम लोग जो ये क्या कहते हैं शंकराचार्य को सीखे, चार मार्ग सीखे, इन चारों मार्ग की चर्चा डिस्क्रिप्शन में जो है हम लोग कल करेंगे, कल थोड़ा डिस्क्रिप्शन में 4 मार्ग पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। अब कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, माइक ओपन कीजिए, पूछिए, कोई भी कुछ भी सवाल पूछना हो, किसी भी तरह का सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।